नवमी के दिन अर्थात नौवें नवरात्र को जो अनुष्ठान की सफलता और संपूर्णता का दिन है, उस दिन भगवती सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। भगवती सिद्धिदात्री देव दानव मनुज सभी के द्वारा उपासिता हैं। भगवती सिद्धिदात्री की सभी उपासना करते हैं, क्योंकि हर आदमी जीवन में ये कामना करता है कि जो भी वो पूजन अर्चन करे उसमें उसको सफलता मिले, सिद्धि मिले। भगवती सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान है, उनकी चार भुजाएं जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। भगवती सिद्धिदात्री महालक्ष्मी का ही एक साक्षात स्वरूप है। उनकी पूजा अर्चना करने से साधक को अष्टसिद्धियाँ अणिमा गरिमा लगमा महिमा इषित वशित प्राप्ति प्रकार में अष्टसिद्धियाँ और नौ निधियाँ प्राप्त होती हैं। जीवन में सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवती सिद्धिदात्री का नाम ध्यान करते हुए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्धिदात्रेय नमः, उनसे भगवती को जो है विशेष रूप से कमल के पुष्प से पूजन अर्चन करने से भगवती प्रसन्न होकर जो है साधक को समस्त जो सांसारिक ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। उनके घर में लक्ष्मी का स्थिर वास होता है और साधक को अपने जीवन में सारी सफलताएं प्राप्त होती हैं। भगवती सिद्धिदात्री विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी के श्री सूक्त से अथवा ललिता सहस्र नाम से भगवती को एक एक नाम का उच्चारण करते हुए कमल के पुष्प जो अर्पित करने चाहिए, कमल का इत्र उनको अर्पित करना चाहिए और नाना प्रकार के स्वादु व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवती प्रसन्न होकर संसार के समस्त जितने भी ऐश्वर्य हैं वो साधक को प्रदान करती हैं। इसीलिए भगवती सिद्धिदात्री देवता मनुष्य राक्षस सभी भगवती सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं और जीवन में अपने सफलता पाते हैं।